पहला चेक मैं तेरे घर तेरे भवन में दूंगी। क्या दूंगी? अपने मन को खोला ना। जब ऐसे हम मन खोलते हैं तो परमेश्वर वो स्वर खोलता है। क्या करता है? स्वर खोलता है। और देखो जब ऐसा मन बनाया तो सेकंड चेक कितने का आया फिर? 95,000 एक महीने का। एक महीने में 95। बोलो क्या है? ये तो सरकारी जॉब से भी ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? एक महीने में 95,000 और 6 महीने में इन्होंने कितने 5,00,000 कमा लिए। आपको इतनी आशीष दी। जो आपका घर जो बना था वो इतना सुंदर नहीं था, आपके वो सिंपल सादे फर्श थे ना, जो सिंपल सादा फर्श होता है वो था। अभी सब टाइल्स लग गई हैं, सारी रूम्स की तैयारी, वॉल्स पेपर पूरी तरह एकदम ए ग्रेड घर आपका बन गया। हालेलुया। जिस सिस्टर का नाम रूप है और छे मल्लो नगर गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की गवाही जे इनकी बहुत ही चाहत थी कि जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे पंजाब पुलिस में, तो जे बता रहे कि इसके लिए भी इन्होंने 10,00,000 रुपया भी दे दिया था, पर फिर भी इनका काम नहीं बन रहा था और वो 10,00,000 रुपया इनका वेस्ट हो गया। और जे बहुत ही परेशान थे क्योंकि इनको जो इनकी चाहत थी कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिले पंजाब पुलिस में, पर इनको मिल नहीं सकी। तो फिर मुझे बता रहे हैं कि इनके पास कोई काम नहीं था, तो फिर इन्होंने अपना बुटीक का काम अपना काम शुरू कर दिया। कुछ समय इन्होंने वो अपना काम किया और अभी तक मुझे बता रहे हैं कि 5.5 साल हो गए जो इनकी चाहत थी कि इनको जॉब मिले, कोई अच्छी जॉब मिले, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो इनको नहीं थी मिल रही, पर जो विश्वास करते थे, प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर आप मुझे जॉब दे चुके हो। जब भी जो बता रहे कि मीटिंग में आते थे उस समय भी जो रिसीव करते थे कि परमेश्वर आप मुझे एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर चुके हो। और जो बता रहे हैं कि जैसे जो प्रार्थना में बने रहे तो परमेश्वर इनके लिए रास्ते को खोला। और जो बता रहे हैं कि जैसे इनको एक काम मिला और जो बिजनेस था, जो बता रहे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस था जिसको जो जिसमें जो अप्लाई करना चाहते थे, पर उससे पहले इन्होंने उस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ जब मीटिंग की तो इन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया, तो परमेश्वर के दास ने इनको वचन दिया कि परमेश्वर आपको इस बिजनेस में बहुत ही ब्लेस करेंगे। तो जो बता रहे कि जैसे परमेश्वर के द्वारा इनको वचन मिल गया, इन्होंने विश्वास किया, धन्यवाद किया, तो फिर इन्होंने इस जॉब को ज्वाइन किया इस बिजनेस को। 27 अक्टूबर को इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, तो उस दिन इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की थी, परमेश्वर जो मुझे इस बिजनेस में जब मुझे फर्स्ट चेक मिलेगा तो सबसे पहले परमेश्वर मैं आपके भवन में इस भेंट को दूंगी। तो जैसे जी बता रही कि 2 दिन में इन्होंने 2 दिन ही वो वर्क वो काम किया था तो इनको 5,000 का चेक मिला, तो इन्होंने परमेश्वर के भवन में दिया। तो जैसे इन्होंने अपना मन खोला तो परमेश्वर इनको बहुत ज़्यादा ब्लेस करते गए। और जो बता रही कि उसके बाद इनको जब सेकेंड चेक मिला वो 95,000 का था, और जैसे ही जो बता रहे अभी जो काम करते इनको 6 महीने हो गए, फिर जब इनको नेक्स्ट थर्ड चेक मिला वो 1,25,000 का था, और अब जो बता रहे कि 6 महीने में परमेश्वर ने इनको 5,00,000 में ब्लेस कर दिया है। और सच में जो परमेश्वर की उस ग्रेस के द्वारा जो वचन इन्होंने जब परमेश्वर के दास के साथ जब अपनी बात को किया, तो जब वचन परमेश्वर ने खुदावा ने अपने दास के द्वारा अगुवाई की, तो सच में आज परमेश्वर ने इस बिजनेस में इनको बहुत ही ब्लेस किया है। तो जब बता रहे हैं कि इस बिजनेस में जब इन्होंने परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया था, तो इनके घर का कुछ काम अधूरा था, तो उस पैसों से इन्होंने जो बताया कि अपने घर को बहुत ही अच्छा बहुत सुंदर बना लिया है। अभी हम उस वीडियो को भी देखेंगे। Thank you.
तो जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने जब इनको ब्लेस किया तो जो इनके घर का कुछ काम अधूरा था, आज इन्होंने अपने घर में पूरा वॉलपेपर के साथ बहुत ही सुंदर घर के साथ परमेश्वर को ब्लेस किया है। और इस ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और जो सिस्टर बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा को करेंगे कि सच में वो खुदावन परमेश्वर हमारे सोच में हमारी समझ से भी ज्यादा अत्यधिक करते हैं। इग्लेसिया सच में जो इनकी सोच थी कि परमेश्वर इनको पंजाब पुलिस में जॉब दे, पर परमेश्वर इनकी सोच से भी ज्यादा किया। और आज परमेश्वर ने जो वचन खुदावन ने अपने दास के द्वारा इस सिस्टर को दिया था, तो जैसे इन्होंने इस वचन को रिसीव किया तो आज परमेश्वर ने इनको बहुत ही ज्यादा इस बिजनेस में ब्लेस किया है। इस ब्लेसिंग के लिए हम सब तारीफ करेंगे। इग्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए जोर से जोर से आमेन। आमेन। सुनो, इस गवाही से मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। जैसे कुछ लोग जो चीज हम चाहते हैं, बोलो क्या है, कई बार जो हम चाहते हैं तो कई बार वो चीज जब होती नहीं है तो हम उस चीज के लिए मन खराब करते हैं। बोलो क्या करते हैं, मैंने तो सरकारी जॉब चाही थी। बोलो क्या, मैंने तो फॉरन में, मैंने परमेश्वर से चाहा था कि मुझे फॉरन का वीजा मिले, इस देश का मिले, मैं ये काम करूं, मैं वहां इस देश में जाऊं, मैं पुलिस में हो जाऊं, मैं आर्मी में हो जाऊं, मेरी ये चीज हो, मेरा ऐसा। कई बार हम ऐसे सोचते, पर परमेश्वर का तेरे विचारों और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का क्या है अंतर है। बोलो क्या है, तेरे विचारों और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार हम जो सोचते हैं जब होता नहीं, अच्छी बात है, आप जो आपकी चाहत है उसको परमेश्वर के आगे रखो, पर जब ना वो हो तो फिर परमेश्वर की इच्छा को, उसकी विल, परमेश्वर की क्या इच्छा है, उसकी क्या मर्जी है, फिर उसको अनुभव करो। परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है, मैं तो ये चाहती थी, मैं तो ये चाहता था, पर ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, अब तू मुझे बता मेरे जीवन में तेरी क्या इच्छा है, तेरी क्या मर्जी है। देखो, इन्होंने ये पुलिस में भर्ती होना चाहते जिसके लिए उन्होंने 10 लाख तक दिए, पुलिस की के लिए 10 लाख दिए, पर हुआ नहीं, मिली नहीं जॉब। बोलो क्या है, जॉब मिली नहीं, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर की जो बुलाहट है मसीह में हमारी, बोलो क्या है, परमेश्वर कुछ अलग तरीके से हमारे जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करते हैं, क्या करते हैं। पर कई कई बार जब इंसान शरीर में होता है तो हो सकता है वो मन खराब करे, हो सकता है वो प्रभु को भी छोड़ दे कि मैं तो इसलिए आई थी, मैं इसलिए आया था कि परमेश्वर मेरी ये घटी को पूरा करे, मेरा ये काम करे, अब मेरा नहीं हुआ तो मैंने नहीं जाना चर्च। हो सकता है, कितनों को समझ आ रही है, हो सकता वो अपनी बुद्धि से मन खराब करके पीछे चला जाए कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। बोलो क्या है, पर ये बने रहे अच्छे मन से। और जब इन्होंने मेरे से बात की कि ऐसे से एक नेटवर्किंग बिजनेस है मैं शुरू करना चाहती हूँ, आप बताओ क्या नाम है, इनको माइक दो, क्या नाम है उस नेटवर्किंग बिजनेस का। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की जी। पापा जी उन्हें मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है, SMT उन्हें शॉर्ट नेम है, सिंह मल्टी ट्रेड कंपनी है। शॉर्ट नाम क्या है, SMT। SMT और फुल नेम सिंह मल्टी ट्रेड। सिंह मल्टी ट्रेड, मल्टी ट्रेड, ये उस कंपनी का नाम है, मार्केटिंग जो कंपनी है। हाँ जी। आपने कितने समय पहले, 6 महीने पहले इसको ज्वाइन किया। हाँ जी। और 6 महीने में अभी आपने गवाही में सुना पहला चेक कितने का आया। सर पहला चेक 2 दिन च 5,000 का ही। सिर्फ 2-3 दिन में जो इन्होंने वर्क किया, काम किया, 5,000 का आया। और ऐसे मन से परमेश्वर को मांग, ऐसे खुदा के आगे रखा कि उस काम में जितना भी मुझे बेनिफिट होगा परमेश्वर, वो सबसे पहला चेक मैं तेरे घर तेरे भवन में दूंगी। क्या दूंगी, अपने मन को खोला ना। जब ऐसे हम मन खोलते हैं तो परमेश्वर वो स्वर खोलता है, क्या करता है, स्वर खोलता है। और देखो जब ऐसा मन बनाया तो सेकंड चेक कितने का आया फिर, 95,000 एक महीने का। एक महीने में 95,
बोलो क्या है? ये तो सरकारी जॉब से भी ऊपर जा रहा है। क्या जा रहा है? एक महीने में 95,000 और 6 महीने में इन्होंने कितने 5 लाख कमा लिए। ये किसकी ओर से ये अनुग्रह हुआ है? 6 महीने में 5 लाख। ये छोटी रकम नहीं है। 6 महीने में 5,000 कमा लेना, बोलो क्या है? छोटी रकम नहीं। पर ऐसे मत करना अपनी बुद्धि से, क्योंकि परमेश्वर जानता है जिसको, जिस तरीके से उसे आशीष देना चाहता है उसे पता है। बोलो क्या है? उसे पता है ना? तो इसका मन था, दिल था, इन्होंने चाहा अपनी बुद्धि से कि सरकारी जॉब मिले। पर दुनिया में परमेश्वर लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं सामर्थ्य परमेश्वर हूं और मैं किसी भी तरीके से किसी भी काम में आपको ब्लेस कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? मैं आपको ऊंचा कर सकता हूं। ये नहीं है कि नहीं कर सकता। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि जिस खुदा ने आपको इतनी आशीष दी, जो आपका घर जो बना था वो इतना सुंदर नहीं था, आपके वो सिंपल सादे फर्श थे ना, जो सिंपल सादा फर्श होता है वो था, अभी सब टाइल्स लग गई हैं, सारी रूम्स की तैयारी, वॉल्स पेपर पूरी तरह एकदम ए ग्रेट घर आपका बन गया। अभी आपने वीडियो में देखा ना कितना सुंदर लग रहा था, और ये सब कुछ खुदा के अनुग्रह से हुआ है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को कि थोड़ा बताओ कि परमेश्वर के साथ हम जब ऐसे मन बनाते तो क्या कर सकता है? थोड़ा जब असी परमेश्वर ना कुछ मतलब करन दा वादा करदे आ ते वो साडे लई करदा आ। और मैं फर्स्ट परमेश्वर नूं बोलिया है कि जो मेरा फर्स्ट पे आउट है मैं सारे दा सारा भवन लई दऊंगी, वो जिन्ना भी होए। और मैं फर्स्ट चैक दिता, और सैकेंड मेरा यह आ कि हुण मैं परमेश्वर दे भवन लई एसी जिहड़ा वो गिफ्ट करना चाहुंदी आ, वो नैक्सट मंथ ही मैं जिहड़ा वा एसी गिफ्ट करन जा रही हां। सच में जब हम ऐसा मन, ऐसा दिल खुदा के आगे रखते हैं, ये लाखों क्या वो करोड़ों में भी ले जाएगा हमें। मैंने कहा लाखों क्या वो करोड़ों में भी ले जाएगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है जो अपने वचन में कहता है कि मैंने अपनी बड़ी सामर्थ्य से इस काश और पृथ्वी को बनाया, और हे मनुख तेरा कोई काम मेरे लिए बड़ा, कोई बड़ा नहीं है। Amen. सर पापा जी मेरी एक गवाही हो रहा, और मैनू सिर्फ अजे मेरी कंपनी च 6 महीने हुए आ, उस कंपनी च काम करदियां नू लोकां नू 4-4, 5-5 साल हो गया, और कंपनी दे MD साहब ने पिछली बार जिहड़े कंपनी दे ओनर आ उन्होंने मैनू पिछली बार 1 तरीक नू साडी मीटिंग हुंदी आ, हाई लैवल ते मीटिंग हुंदी आ, सारी काफ़ी सारे लोग भी आउंदे आ, और उन्होंने मैनू कहा कि एक दिन पहला मैनू मैसेज किया कि कल दी जिहड़ी मार्केट प्लान आ उह तुहाडा आ स्टेज ते। और मेरा फर्स्ट टाइम ही कि मैं कभी अज तक स्टेज ते नहीं बोली, और उन्होंने मैनू एकदम मैसेज किया जदों ते, मैं एकदम उन्होंने बोलिया कि सर मेरे को नहीं होना, मतलब मैं नहीं कर सकती। फिर मैं परमेश्वर दे अगे रखिया कि परमेश्वर तुसी मेरे मुख तो बोल चुके हो, और वो मार्केट प्लान लोगों को इन्ना क ज़्यादा पसंद आया कि वह सर कहते हैं कि जोड़ा मार्केट प्लान हर 1 तरीक न होगा वह जगरूप कौर का ही होगा। वेरी गुड। देखा परमेश्वर की जो अपने लोगों के लिए योजना है वो बड़ी है, छोटी नहीं है। बोलो क्या है? पर अगर ये उस चीज के लिए मन खराब करते कि हमें जॉब नहीं मिली तो आज इतनी बड़ी आशीष मिलती? ये सब कुछ उसके अनुग्रह से है। बोलो क्या है? ये उसके अनुग्रह से है। इसलिए बने रहना, खड़े रहना, प्रभु की इच्छा में रहना, वो जो चाहता है उसे पूरा करना, वो आपको बड़ा ऊंचा करेगा। तारीफ कर दो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से। आमीन।